हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए। तो आज बड़े दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा टैटने बाबा रामदेव की मैगी बनाना। तो चलिए शुरू करें। मैगी बनाने के लिए एक बड़ा पैकेट बाबा रामदेव का मैगी का, और छोटा हो तो छोटा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक प्याज, दो टमाटर, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऑप्शनल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप देखिए जादू, ये हमारी सारी सब्जियां और अब इसे हम करेंगे चॉप। रेडी चू। ये देखो ये चॉप हो गया है, तो आप शुरू करते हैं चू। ये देखो मैंने मीडियम आंच पे अपनी जो कढ़ाई है वो रख दी है, खाली है। तो अभी स्टार्ट करते इसमें डालना सामान एक एक करके। अभी मैं नया नया शेफ बना हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए, लेकिन कोई बात नहीं। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में दो चम्मच तेल ले लिया है, तेल ले लो या बाबा रामदेव का ही गाय का घी ले लो या रिफाइंड ऑयल ले लो, कुछ भी चलेगा। बस तेल या कोई सरसों का तेल या घी या कुछ भी ले लो, मर्जी है। उसके बाद तेल गरम होने तक का इंतजार कीजिए। तो तेल गरम हो गया लगता है, दो मिनट हो गया। अब इसमें डाल देते हैं सारी सामग्री। तो भाइयों ये देखो, सबसे पहले मैंने थोड़े से प्याज डाले इसमें जो कटिंग किए हुए थे अपने। तो इसको जब तक ये ब्राउन नहीं होते जब तक वेट करना पड़ेगा। तो जब तक ये ब्राउन होते हैं जब तक आप इंतजार कीजिए। तो लगभग एक मिनट में प्याज हो गया लाल। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। टमाटर डाल दिए इसमें कटा हुआ, थोड़ा हिलाते रहिए तो सही रहेगा। ये टमाटर का जूस रह गया था वो भी डाल दो, जूसी जूसी। मिर्ची भी डाल दो, चलो साथ के लगे हाथ मिर्ची भी डाल देते हैं, चलो बाकी बाद में देखेंगे। तो हिलाते रहिए कम से कम एक से दो मिनट। इसके अंदर है ना हम थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको पसंद हो। और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ले लो, थोड़ा सा। ये नहीं है तो ये होगा, तो थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा ले लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं, हिलाते रहो बस। हल्की सी काली मिर्च भी डाल देते हैं टेस्ट के लिए। लाल मिर्च बिल्कुल नहीं, हल्दी डाल देते हैं थोड़ी सी। आहा, कलर देखिए भाई साहब, अभी मुंह में पानी आ रहा है आपके, अभी वेट कीजिए। बनने दीजिए इसको थोड़ा सा, बड़ी मेहनत है भैया, खून पसीना एक करना पड़ता है। बस एक से दो मिनट चलाने के बाद देख रहे हैं ये किसने जो है ऑयल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब अब मसाला रेडी है हमारा मैगी का। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए मसाला, तेल अलग हो रहा है इसमें से, ठीक है। तो आप रेडी है टैटन है मैगी डालने के लिए। तो इसमें चार मैगी होते हैं, चार मैगी डालेंगे और चार कप पानी, ओके। एक एक करके मैंने ये चौथा भी डाल दिया। तो अब मैं मैगी के पाउच डालूंगा, मैगी भी डाल दी मैंने चारों, और अब ये मसाला जो मिलता है मैगी के साथ ये भी डाल देंगे। टेस्ट मेकर भी डाल दिया मैंने, तो ये देखिए तो ठीक है। अभी थोड़ा सा पानी के अंदर ये अपने आप ही घुल जाएगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा गर्म होते ही अपने आप पानी में घुल जाएगा, तो आप सिर्फ इंतज़ार करना है, आप सिर्फ इंतज़ार करना है। दो मिनट में मैगी नहीं बनती भैया, कम से कम आठ से दस मिनट में बनी जाएगी। तो देखते हैं, मिलते हैं आठ से दस मिनट बाद। और आठ मिनट हो गया, आठ मिनट बाद
7 मिनट हो गए शायद, तो 7-8 मिनट बाद मैंने ये धनिया और डाल दी, और अब ये मैगी हमारी रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। मुंह में पानी आ रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए, अभी हम इसको प्लेट में डालेंगे और चट कर जाएंगे। मैगी रेडी है, बड़ा मजा आएगा। सच में बढ़िया बनी है भाई, बना के देखो और खाओ, मौज करो।